हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कॉमर्स की वन लाइन नोट्स की जो सीरीज चल रही है हमारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके DSSSB का, जो आपका PGT का एग्जाम होने वाला है, या हिमाचल प्रदेश में जो आपका PGT का एग्जाम है, या फिर उत्तराखंड में जो आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम है, इन दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके कॉमर्स में आते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट हो गए, आपके इको हो गए, आपके टैक्स हो गए, आपके ऑडिट हो गए, मतलब ओवरऑल जो भी आपके एग्जाम में जो भी टर्म आएंगे, इवन मैनेजमेंट भी, ठीक है, जो भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग वन आवर नोट्स की तरह से प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 110% आपको जॉब दिलाएगा ही। ये पार्ट टू है, पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे जितने भी हमारे नोट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और ये सभी के सभी बुक से लिए गए, जो हमारे अकाउंटेंट की बुक है उसी से लिया गया है। तो जिनके पास बुक है वो इससे जो PDF जो हमने दिया हुआ है ना, उसे और अच्छे से रीड कीजिए, प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होते हैं वो यूजफुल है या नहीं है, इन सब चीजों की जो जांच होती है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इनमें हम लोग बेसिकली चार चीजों को देखो, लाने को तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, बट बेसिकली मैंने इसमें चार चीजें इंक्लूड की हुई है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। होता क्या है, किस तरह से ये चीज चारों के चारों हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मजबूत बनाते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये चारों नींव हैं, स्तंभ हैं, ठीक है, जो एक अकाउंटिंग को काफी इंपॉर्टेंट देते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस यानी कि योग्यता, योग्यता इन द सेंस ऑफ, आपको सबसे पहले वो समझना है। देखो रिलेवेंस कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें हम जो पास्ट के इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखें, जो प्रेजेंट में जो हमारा इवेंट चल रही है उसको देखें, और इसके रिगार्डिंग में हम जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं उनके लिए हम प्रॉपर डिसीजन ले पाए, इस तरह का ये कैपेबल होना चाहिए अकाउंटिंग इस तरह का। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है, रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल फॉर मेकिंग अ डिफरेंस इन अ डिसीजन। देखो साफ साफ बोला हुआ है कि यह कैपेबल होना चाहिए किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब ये डिसीजन लेने के बिहाफ पे, डिसीजन जब भी आप लोगों को याद रखना, आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करते हो और हमेशा आगे फ्यूचर को ध्यान में देख के करते हो, तो अकाउंटिंग रिलेवेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलायबिलिटी, मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब कहने का ये हुआ कि अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर विश्वास होना चाहिए, ऐसा ना हो। अब प्रॉपर विश्वास किस लिए, देखो अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग दो चीजों को क्रिएट करते हैं। पहला होता है हमारा बिजनेस पर जो भी प्रॉफिट या जो भी आप बता रहे हो प्रॉफिट या लॉस, उन सब चीजों को। दूसरा क्या होता है, एक हमारा होता है फाइनेंशियल पोजिशन, यानी कि बिजनेस जो है वो अभी किस सिचुएशन में खड़ा है। तो बेसिकली ये दो चीजें हमें मालूम चलती है। तो अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड करके या फिर कुछ ओल झोल करके क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को हाई पर हाई शो किए जा रहे हो और बिजनेस का पोजीशन जो है वो हाई दिखाया जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी अकाउंटिंग ऐसी हो कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सके। सिंपल सी भाषा में जैसा कि आप देख सकते हो, रिलायबल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम जजमेंटल, देखो जजमेंटल अबाउट अर्निंग अ पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस या फिर फर्म जो भी है हमारी, उसको क्या करना है, हमारा जजमेंट कर सके कि भैया आपकी कंपनी या आपकी फर्म सही है या नहीं है, ठीक है। अगला चीज है हमारा कंपेरेबिलिटी, यानी कि तुलना करना। अब तुलना करना, अच्छा तुलना क्यों रिक्वायरमेंट होती है, हमें कंपेयर करने की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। देखो अगर दो सेम टाइप की, मान लो एक इंडस्ट्री है कोई और उसमें दो सेम टाइप के बिजनेस अलग अलग हैं, दो अलग अलग फर्म है, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर पाएंगे कि अगर दोनों में अब अकाउंटिंग, अगर मान लो सही सही अकाउंटिंग चल रही है तो क्या होगा, हम आराम से कंपेयर कर पाएंगे एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, कि कंपनी ए अच्छी है या कंपनी बी अच्छी है, ये हम कंपैरिजन कर पाएंगे। इसीलिए कंपेरेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। द डिसीजन मेकर विल मेक कंपेरिजन अमंग अल्टरनेटिव, जो भी हमारे अल्टरनेटिव होते हैं उन पे हम कर सकते हैं, ठीक है, और किस चीज को ध्यान में देख के, जो भी हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान में रख करके, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक कोई फर्म किसी एक मेथड को एडॉप्ट कर लेती है, एक मेथड को यूज करती है, तो वो पीरियड दर पीरियड, मतलब कि एक पीरियड के बाद, मतलब कंटिन्यूअसली नेक्स्ट ईयर भी या फिर उसके अगले ईयर भी, वो क्या करे, उसी मेथड को कंटिन्यूअसली करके यूज करते रहे। जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ मेथड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, वो क्या करे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वो चलता रहे। एक ही मेथड जो है आपको यूज करते रहना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ इसे नीड है, मुझे बहुत जरूरत है इसे चेंज करने की, ये बहुत आउटडेटेड हो गया है, देन आप चेंज करो। अदरवाइज आप क्या करो, उसे सिंगल ही लेकर के चलो। उससे क्या होती है, उससे वैल्यू ऑफ क्वालिटी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है ना। और अकाउंटिंग के जो भी नंबर्स हैं, जो भी आपको कंपैरिजन करना है, वो यूज करना बड़ा ही इजी हो जाता है। तो ये है बेसिकली हमारा क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिनके पास बुक होगा या फिर जो पीडीएफ जो हमने अकाउंटिंग का दिया हुआ है, उसमें जाके आप पढ़ लो। टोटल हमने इसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक को और डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ तो केवल चार लेके आया हूँ, क्योंकि चार बेसिक स्तंभ माने जाते हैं, इसलिए मैंने चारों को डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अकाउंटिंग की बात हो रही है तो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स की तो बात होनी ही चाहिए। तो पहले आते हैं प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एग्जैक्टली में होता क्या है? लोगों को प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पूछो तो सब तो सही सही बता देते हैं, सारे जितने भी हैं, 14, 15, 16 या 10 जो भी हैं, सभी के अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो सही सही बता देते हैं। बट प्रिंसिपल होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहीं पर वो भूल जाते हैं। चलो सिंपल सा बात समझाता हूँ, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, वो एक कॉमन रूल है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करके हम अपनी अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक कॉमन रूल है जिसमें क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का तरीका बताया गया है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बारी। कॉन्सेप्ट क्या है, तब कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, क्या एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशंस है। हर चीज को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ ना कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो वो जो एजम्पशंस हैं उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द बेसिक एजम्पशंस एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल विच वर्क एज द बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। यहां पर आपने कॉमन रूल देखा, यहां पर आप स्पेशल रूल्स को देख सकते हो। मैं दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूँ, स्पेशल रूल्स मिलेंगे आपको, एजेंशंस मिलेंगे आपको, प्रिंसिपल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब एक एक करके हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं फटाफट एक बार में ओवरव्यू कर लेते हैं, और उनसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा। ये आपके पीजीटी के लिए और अकाउंटेंट का जो एग्जाम है यूकेएसएससी वालों के लिए, और इवन महाराष्ट्र में भी जो हो रहा है उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखो, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, मतलब आज के सेशन से आपको एक से दो क्वेश्चन मिलना मेरी गारंटी, ठीक है। चलो एक एक करके कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या मान के चलते हैं कि भैया जो बिजनेस और जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग ऑनर, अलग अलग एंटिटी होते हैं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। अक्सर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है सर आपसे पता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो बंदा ऑनर है उसको हम लोग कैपिटल में क्यों शो करते हैं, या लाइबिलिटी में क्यों शो करते हैं, या फिर उसके जो वो जो पैसा निकालता है उसको ड्राइंग में क्यों शो करते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा जाता है कि ये सब शो करने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना है हमेशा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा गया है कि भैया आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो कि मनी के टर्म में एक्सप्रेस्ड किए जा सकते हैं, यानी कि जिसे आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे कोई भी टर्म आपको मेंशन नहीं करना है जो कि मनी के टर्म में नहीं हो, ओनली यहाँ पर इसीलिए स्पेसिफिक किया हुआ है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें भी कौन सा क्वेश्चन आता है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलता है कि जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, इनफिनिटी टाइम तक, जिसकी कोई भी समय सीमा नहीं है भैया। वो चलना स्टार्ट कर दिया तो चल दिया, कब बंद होगा, कब मरेगा या कब खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई डेट भी आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्रिएट जो होता है, मतलब
पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट में इन्फिनिटी शो किया जाता है, तो याद रखना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा एक क्वेश्चन जो इसमें अक्सर क्रिएट करता है वो होता है हमारा कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग लाइफ चल रहा है, या फिर बिजनेस की जो लॉन्ग लाइफ पे जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग को अगर हम क्या बोलते हैं कोई टाइम सर्टेन में डाल देते हैं, मतलब कि बिजनेस जो है वो 10 साल के लिए है, तो हम कौन सा अपनी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, बैरियर कर रहे हैं, उसे हम उल्लंघन कर रहे हैं बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता है क्या होता है, स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि हर अकाउंटिंग को एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन की जब बात हो रही है तो याद रखो दो होता ही है, पहला होता है कैलेंडर जिसमें हम लोग 1 जनवरी से लेकर चलते हैं 31 दिसंबर तक, और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें कब से कब तक आता है, 1 अप्रैल से आता है, ये स्टार्ट होता है और चलता है 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से पता ही होगा आप सभी को। आगे देखते हैं, अगला है हमारा कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं आप उनको उनके परचेस प्राइस में रिकॉर्ड करोगे, जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल प्राइस। चलो अब समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं रहा सही से, इसलिए पेन प्रॉब्लम कर दी है ये, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल प्राइस में अगर हम किसी गुड्स को या किसी स्टॉक को एसेट को एंट्री करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कोस्ट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ऐसा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसमें। इसमें कहा गया है कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में उसके मिनिमम मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 इफेक्ट तो होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 इफेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ हम उसे 2 जगह पे रिकॉर्ड करेंगे एक बार में, एक रिकॉर्डिंग कोई नहीं होगा, जो भी होगा दो दो रिकॉर्डिंग चलेगा, क्लियर है ये भी। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अब जो बोल दो बहुत सारे नाम है इसके। देखो इसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि भैया अकाउंट में रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब वो रियलाइज्ड हो जाए, क्या हो जाए, मिल जाए आपको। तो इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो रेवेन्यू है वो हमारा, देखो दो नेचर इसमें होते हैं, एक होता है एक्रूड नेचर और दूसरा होता है रियलाइजेशन नेचर। तो जब रियलाइजेशन नेचर की बात होगी तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन हो गया, और या फिर रिकॉग्नाइजेशन नेचर भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और यहां पर भी लोग गलती कर जाते हैं, बट आप लोग गलती नहीं करना, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये भी इससे क्वेश्चन अक्सर मिलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है, एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन के दौरान, अच्छे से वर्ड समझिएगा, ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूं क्या, एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के दौरान एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉसेस हुए हैं उनको मेंशन करना, उनको लाना क्या कहलाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये भी कहा गया है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, किस कॉन्सेप्ट में है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी चीज, इस कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं वो सभी के सभी रेवेन्यू नेचर की होती है, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की होती है, कहने का मतलब कि अगर एक टाइम पीरियड के दौरान आपकी जो भी खर्च है या फिर नहीं है, लाइक आपने जो आपको पे करना था आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो भी आप शो करोगे, लाइक आपने किसी को ज्यादा पे कर दिया है या फिर आपको कहीं से कुछ लेना था, यानी कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाले जितने भी कैलकुलेशन है वो सभी के सभी मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है आपके पास,
और उसे आप बैलेंस शीट के नीचे अगर दर्शाते हो तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा रूल के तहत ऐसा होता है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है एक बार नहीं, मुझे लगता है मैंने पीजीटी के लगभग जितने भी एग्जाम है सभी में ये वाला क्वेश्चन देख लिया है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? याद रखना है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उसी में ये कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब जस्ट अभी हमने देखा क्या आपके क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में, हम लोग इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्या होता है कि एक मेथड अगर आप एडेप्ट करते हो तो आप उसे कंटिन्यू चलते रहो इन अ फ्यूचर में भी, अगर रिक्वायरमेंट है आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ऑडिटेड हो गया है तो ही चेंज करो, अदरवाइज आप उसे कंटिन्यूअसली चलाते रहो। यही कहा जाता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हमारा। लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों नाम में एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। और इसमें क्या है, ऑल पॉसिबल लॉसेस को हम लोग लाते हैं। ऑल पॉसिबल लॉसेस कहने का मतलब क्या है, इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें डेप्रिसिएशन आता है, बैड डेप्ट आते हैं, जितने भी डेप्रिसिएशन है जो भी बैड डेप्ट हम लोग लेके चलते हैं कि भैया 5% करना है, 10% करना है, ये सभी चीजें किसके तहत होता है, हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में, क्योंकि ये पॉसिबल लॉसेस को दर्शाता है कि भैया इतना डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, इतना बैड डेप्ट आप मान के चलो, बैड डेप्ट 5% है, बैड डेप्ट 6% है, ये सब ऑलरेडी आप पहले से ही मान के चलते हो, आपका पैसा डूबे या ना डूबे आप पहले से मान के चल रहे हो। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थे बेसिकली पॉइंट्स हमारे, ये जो हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ जो कि पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ये अकाउंटेंट की जो ऑफिसर की बुक आई हुई थी इसी से हमने डिस्कस किया हुआ है। ये आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये पीजीटी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में, पूरे कंप्लीट सिलेबस है, पूरी कंप्लीट थ्योरी है, साथ ही साथ इसमें 450 एमसीक्यूज मिलेंगे पूरी की पूरी अकाउंटिंग की, पूरा डिटेल्स जो हमने इसमें क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स नहीं है जानना है तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा पूरी अकाउंटिंग के ऑफिसर्स का, उसमें जाकर के देख लो। जिनको ये बुक चाहिए वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहा है, या फिर आप चाहो तो नीचे आपको लच्छा अकेडमी स्टोर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली जाकर ये बुक आप, ये पीडीएफ में है याद रखिएगा, ये जो हमारे पास है ये बुक के फॉर्म में नहीं है, ये पीडीएफ के फॉर्म में है। ठीक है, आप इसे खुद भी प्रिंट कर सकते हो क्योंकि ये मात्र 120 पेजेस का हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, अगर आप बोथ साइड प्रिंट करते हो तो 60 पन्नों में आपका ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो काफी कम भी कॉस्ट आपको लगेगा। तो ये थे हमारे पूरे पॉइंट्स और ये हमारा बुक, जिनको भी लेना हो इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर नीचे व्हाट्सअप कर लो, या फिर नीचे लक्ष्य अकेडमी स्टोर का लिंक है वहां जाकर के आप इसे बाई कर सकते हो। चलो फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी को पढ़ते रहना और आप सभी को राधे राधे।